हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा डाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, अपने एटीएम कार्ड से, अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, इस वजह से दोस्तों आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी जो है आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा ऐड करने के लिए, पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा डालने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पेटीएम एप्लीकेशन को खोल लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद इस प्रकार से आपको स्लाइड कर लेना है। यहाँ पे ऊपर के साइड में एक पासबुक का ऑप्शन होता है, सिंपली जो आपको इस पर क्लिक कर देना है और जो है आप अपने पासबुक के अंदर पहुँच जाइएगा। पेटीएम वॉलेट पे आप क्लिक कर दीजिए, पासबुक के अंदर आ जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे पेटीएम वॉलेट के अंदर 20 रुपया है और यहाँ पे हम जो है आपको 10 रुपया और ऐड करके यहाँ पे दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके लाइव प्रूफ के साथ। तो फिर इसी बात पे वीडियो कर दीजिए लाइक। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद ऊपर के साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप यहां पे आ जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा आप अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर कितना रुपया डालना चाहते हैं। तो फिर यहां पे फिलहाल हम 10 रुपये डालना चाहते हैं, आपको जितना रुपया भी डालना है उतना आपको टाइप कर लेना है। तो यहां पे मैंने 10 रुपया लिख दिया, उसका जो है सिंपली आपको प्रोसेस वाले बटन को दबा देना है। और दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे प्रोसेस वाले बटन को दबा देते हैं, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। पहला है यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक, अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा है तो फिर सिंपली इस पर क्लिक करके आपको अपना पासकोड डालना है पेटीएम पेमेंट बैंक का, उसका जो है 1 से 2 सेकेंड के अंदर अंदर जो है आपका पैसा ईजिली पेटीएम पेमेंट बैंक से कट करके पेटीएम वॉलेट में चला जाएगा। तो फिर ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है एटीएम कार्ड का, अगर जो है आपके पास बैंक अकाउंट है, आपको एटीएम कार्ड मिला हुआ है, तो सिंपली जो है आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर और यहाँ पे डाल करके आप जो है बड़ी आसानी से अपने बैंक से पैसा को डाल सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा डाल सकते हैं पेटीएम वॉलेट के अंदर। फोर्थ है यहाँ पे यूपीआई, अगर आपके पास फ़ोनपे गूगल पे यूपीआई यूज़ करते हैं आप, तो फिर सिंपली इस पर क्लिक करके जो है आप इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं डेबिट कार्ड की मदद से, एटीएम कार्ड की मदद से हम पैसा ऐड करेंगे। तो फिर सिंपली आपको डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है, उसका दोस्तों इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर कार्ड डिटेल, तो दोस्तों इंटर योर कार्ड डिटेल के अंदर जो है आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो ये नंबर लिखा होता है, सिंपली जो है आपको ये नंबर को डाल देना है। यहाँ पे 16 अंक का यह नंबर होता है, तो फिर चलिए यहाँ पे हम अपना नंबर को डाल देते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया सेम का सेम जो हमारे कार्ड में लिखा हुआ है उसको। दोस्तों, यहाँ पे मंथ एंड ईयर जो एक्सपायरी आपके एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर या नीचे कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, ये वाला नंबर आपको डाल देना है। तो चलिए यह वाला नंबर भी जो है हम डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नंबर डालने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है सीवीवी नंबर। सीवीवी नंबर आपके कार्ड के पीछे साइड में यहाँ पे कोना में लिखा होता है, सिंपली ये 3 अंक का नंबर होता है, आपको ये नंबर भी डाल देना है। सीवीवी नंबर डालने के बाद दोस्तों इसको जो है आपको अनटिक कर देना है, इससे ये होगा कि आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे सेव नहीं होगा। उसका दोस्तों आपको पे वाले बटन को दबा देना है। दोस्तों, जैसे आप पे वाले बटन को दबाते हैं, आपका बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 टाइम पासवर्ड, ये 6 अंक का कोड होता है, आपको उस नंबर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारे मोबाइल के अंदर ओटीपी आया या नहीं। तो फिलहाल हमारे मोबाइल के अंदर ओटीपी आ गया मेरे दूसरे फ़ोन के अंदर, यहाँ पे हम अपना ओटीपी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओटीपी कोड है 6495 58। तो फिर कुछ इस प्रकार से आपका भी 6 अंक का कोड आएगा, आपको सिंपली वो कोड को डाल देना है। अगर आपके मोबाइल में कोड नहीं आता है तो यहाँ पे इंटर ओटीपी भी आप क्लिक कर देते हैं, दोबारा से कोड चला जाएगा उसका। दोस्तों, यहाँ पे आपको सबमिट का जो बटन देखने को मिल रहा है, सिंपली जो है आपको सबमिट वाले बटन को दबा देना है। और सबमिट वाले बटन को दबाते ही जो है आपके बैंक अकाउंट से उतना रुपया कट करके आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली मनी एडेड सक्सेसफुली हो गया, 10 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड किया था वो ऐड हो गया। हमारे वॉलेट के अंदर पहले 20 रुपया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 रुपया ऐड हो गया। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप बड़े आसानी से अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा को डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।